हेलो दोस्तों, ये यूएसबी चार्जर है। ये देखो, ये देखो, इसमें फ़ोन चार्जर अलग से लाना नहीं पड़ेगा, बोर्ड में लग जाएगा सीधे। यूएसबी चार्जर को हमने अनबॉक्स कर लिया है। ये है इंस्ट्रक्शन जो कि इसमें वायरिंग किस प्रकार करनी है यूएसबी चार्जर को, और ये है वारंटी कार्ड, एक साल की है, दो कार्ड है, और ये बोर्ड है, इसके अंदर हम इसको लगाएंगे। इसमें डमी प्लेट है जो कि ब्लैंक प्लेट है, इसको निकाल के हम यहाँ पे इसको लगाएंगे। इस यूएसबी चार्जर की एक साल की गारंटी है, वारंटी है, गारंटी तो नहीं है, वारंटी है, ये वारंटी में आती है। इसको ऊपर या नीचे जैसा चाहे ऐसे हम लगा सकते हैं, तो हमने डाउन में लगाई है। अब इस तार को छील लेते हैं अच्छी तरह से, तार को छील के एक फेज में जोड़ेंगे। पहले तो न्यूट्रल में जोड़ेंगे इसको, ये न्यूट्रल के तार है, तो इसको टेप उतार कर इसको न्यूट्रल के साथ जोड़ेंगे। पहले तो टेप उतरी नहीं तो इसको खोल लिया, लाइट चली गई है, अब जोड़ के इसके अंदर न्यूट्रल जोड़ेंगे। एक तार न्यूट्रल में जोड़ देंगे और इसको अच्छे तरह से जोड़ के फिर टेप लगा देंगे। वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। उसके बाद हम इसके अंदर फेज को जोड़ेंगे। आप चाहे तो इसमें स्विच के साथ कंट्रोल कर सकते हैं, मैं इसमें इसका सीधा फेज से जोड़ूंगा। इसमें फेज को सीधा जोड़ के स्विच के निचले वाले भाग ग्लास के अंदर करंट आई, ये देखो। इसके बाद ये दोबारा से करंट आई है, उसके बाद इसको जोड़ लगा देंगे। जोड़ लगा के इसको स्विच के जो निचले भाग में लगता है इसके नीचे, इसको जो पेच कस देंगे इसके अंदर लगा के स्विच के। अब इस बोर्ड को कस लेंगे। बोर्ड को कसने के बाद पहले अच्छी तरह से इसको कस लेते हैं पेच के थ्रू। मॉड्यूलर पेच के थ्रू इसको बोर्ड में कस लेंगे, दोनों पेच लगा के। ये इस तरह से जुड़ लगेगी, इसके ऊपर ढक्कन लग जाएगा, कवर लग जाएगा इसके ऊपर। और ये देखो, चार्ज करके दिखा रहे हैं, मोबाइल में चार्जिंग दिखा रही है। ये देखो, चार्जर जुड़ा हुआ है। अब एंड्रॉयड फ़ोन में चेक करेंगे इसको। देखो, एंड्रॉयड में चार्ज तो हो रही है पर ऊपर साफ दिख नहीं रही है। इसको ऑफ करके चेक करके देखते हैं। ऑफ कर दिया, आप चेक करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।